खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां सीएम योगी पहुंचे गाजियाबाद। गाजियाबाद के एमजीआई घरौंदा सोसाइटी पहुंचे सीएम योगी। राजनगर एक्सटेंशन की एमजीआई घरौंदा सोसाइटी पहुंचे सीएम योगी। घरौंदा सोसाइटी में रहती है सीएम योगी की बहन। कल बहनोई राजेंद्र सिंह चौधरी का हुआ था निधन। बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। आज अशोका कुल परिवार से मिलने पहुंचे हैं सीएम योगी। खबर गाजियाबाद से है, जहां सीएम योगी पहुंचे हैं। हम मौजूद हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में। आपको बता दें, ये वो सोसाइटी है जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की बड़ी बहन यहां रहती हैं, और कल उनके जो पति हैं उनका देहांत हो गया था। एमजीआई घरौंदा यही सोसाइटी है जहां पर देखिए किस तरह से पुलिस बल यहां मौजूद है, और यहां पर उनकी बहन जो है, बड़ी बहन योगी आदित्यनाथ की यहां पर रहती है, और थोड़े देर में यहां पर योगी आदित्यनाथ का यहां पर बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ जो घर में लोग इस समय पर शोक में डूबे हुए हैं, उनमें सांत्वना देने के लिए लगभग यहां पर थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। और उनके जो बड़े जीजा हैं योगी आदित्यनाथ के, उनका देहांत हो गया था। कहीं ना कहीं जो परिवार इस समय दुख की घड़ी में है, तो उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचने वाले हैं। राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से प्राइम टीवी के लिए प्रवीण मिश्रा। प्रवीण, अभी शोकाकुल में सीएम योगी वहां पहुंचेंगे, इसके बाद क्या कुछ उनका शेड्यूल रहेगा, कब वापस होंगे? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त उसी सोसाइटी के बाहर खड़े हैं। यहां पर ये एमजीआई घरौंदा सोसाइटी है जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, और प्रशासन पूरा, देखिए ये पूरा गाड़ियां जो है आपको दिख रही होंगी, योगी आदित्यनाथ के काफिले में आई हुई गाड़ियां। अंदर जैमर लगा हुआ है, जैमर लगी हुई गाड़ी खड़ी है, वहीं अंदर योगी आदित्यनाथ की भी गाड़ी वहीं पर गई है। कहीं ना कहीं जो परिवार में इसमें दुख है, उस दुख की घड़ी में उनका जो दुख है उनको बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहीं ना कहीं उनके जो बड़े जीजा हैं राजेंद्र सिंह चौधरी, उनकी कल एक इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। कहीं ना कहीं आज जो पूरा परिवार है दुख की घड़ी में है, और योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं, लगातार अंदर घर में बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। घर में जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, या उनकी जो बहन है उनसे भी बातचीत कर रही है। अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि जहाँ पर सब जलाना है, या सबका जो शमशान घाट है वहां भी पहुंचेंगे, और शमशान घाट भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ी देर में यहाँ से योगी आदित्यनाथ का भी जाना तय लग रहा है। कहीं ना कहीं अब थोड़ा योगी आदित्यनाथ अंदर जो परिवार से बातचीत भी कर रहे हैं, और ये देखिए सोसाइटी आपको दिख रही है, यही वो सोसाइटी है गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एमजीआई घरौंदा। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के जो बहनोई थे वो यहाँ रहा करते थे, उनकी बहन रहा करती थी। तो कहीं ना कहीं अस्पताल के में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को जब इसकी बात सूचना मिली, तुरंत योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आने की सोची, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं। 10-15 मिनट हो चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं घर वालों से, हालांकि थोड़ी देर में निकलेंगे और आगे का शेड्यूल भी पता चल जाएगा कि आगे क्या उनका शेड्यूल है। जी, इस शोकाकुल में सीएम योगी के साथ और कौन कौन से वहां पर लोग उनके साथ मौजूद है? देखिए फिलहाल तो अभी योगी आदित्यनाथ ही यहाँ पर आए हैं। हो सकता है कि थोड़े जो कार्यकर्ता हैं गाजियाबाद के वो भी वहाँ शमशान घाट पहुंचे, ये संभावना जताई जा रही है। तो अभी तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं, और यही वो सोसाइटी है जहाँ पर पूरा प्रशासन पहले से अलर्ट हो गया था। हालांकि एक कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच गए। जी, अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण।